सिंगापुर में हुई आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने आतंकवाद को लेकर इशारों इशारों में पाकिस्तान को दी सख्त चेतावनी। रक्षा मंत्री निर्मला रमन ने आतंकवाद को लेकर नाम लिए बगैर पाकिस्तान पर निशाना साधा। अमृतसर ट्रेन हादसे के बाद लोगों का गुस्सा सरकार पर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सुबह ट्रैक क्लियर कराने के लिए पंजाब पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों ने पुलिस फोर्स पर पत्थरबाजी कर दी। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया। दिवाली से पहले ही प्रदूषण की धुंध में लिपटने लगी दिल्ली। एक बार फिर उत्तर भारत वायु प्रदूषण की चपेट में आ रहा है। दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे शहरों में धुंध की दस्तक साफ नजर आने लगी है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में मतदाता जागरूकता अभियान के लिए शराब की बोतलों का सहारा लिया गया। बताया गया कि बोतलों पर जागरूकता अभियान वाले स्टिकर चिपकाने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से निर्देश मिले थे।